हाय, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जैन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ड्यूरिंग इंटरव्यू। मींस सबसे पहले इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है वो ये होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि सब कॉमन होता है सभी इंटरव्यू में। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंटरव्यू में तो होल वीडियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स जो कि जिससे आप अपने इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिर्फ यही क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है सबसे पहले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है दोस्तों क्योंकि इंटरव्यूअर आपको सबसे पहले रिलैक्स कराना चाहता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कराना चाहता है एक ऐसे क्वेश्चन से पूछ के जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं। ठीक है, विच इज़ अ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ड्यूरिंग पूरे, ना कि इंट्रोडक्शन बल्कि पूरे होल इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये होना चाहिए कि आप जो भी ड्रेस पहन के जा रहे हैं इंटरव्यू में वो एक अट्रैक्टिव ड्रेस होनी चाहिए, वो वेल आयरन होनी चाहिए। ठीक है, विद टाई, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मल लगना चाहिए वहाँ पे ना। उसके बाद बी लॉजिकल एंड क्लियर, आप जो वहाँ पे बोल रहे हैं वो एकदम लॉजिकल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब एंड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आप बहुत ज़्यादा अपने गेस्चर पोस्चर को चेंज मत कीजिए। ठीक है, और द लास्ट पॉइंट इज दैट मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट टू द इंटरव्यूअर। ठीक है, ये होते हैं कुछ हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इंटरव्यू के दौरान याद रखने की ज़रूरत है कि आप मुझे ये चीज़ों को अवॉइड करना नहीं करना एकदम से। ठीक है, और मैं आपको एट द लास्ट अब चार पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपके आपका इंटरव्यू जिस पे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आपका जो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो आपको ये होना चाहिए, सबसे पहले आप अपने इंटरव्यू को ग्रीट करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका जो होगा वो ये होगा, लेट योर इंटरव्यूअर नो अबाउट योर बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में आप ये भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ है या फिर आप अपने हॉबीज़ को ऐड कर सकते हैं, आप किसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ठीक है, ये और चौथा पॉइंट आपका ये हो गया कि आप जो कि एक वाइटल क्लोजिंग से स्टेटमेंट देंगे जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आप मतलब इस तरीके से ख़त्म करेंगे इंटरव्यू को पता भी चल जाए कि आप जिस जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उसके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं। ठीक है, नो वन इज देयर। तो ये चीज़ें हो गए, और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो 60-90 सेकंड के अंदर ख़त्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको खींचना नहीं है कि अपने पूरे पूरे ख़ानदान की बात बता दें उसे। ठीक है, तो जैसे कि मुझे अगर इंटरव्यू देना हुआ तो उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूँगा मैं बताता हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मोहम्मद जैन, आई हैव डन BCA specialized in computer application with 80%. Along with that, I have done internship from Microsoft, and also I have attended a Python bootcamp which helped me a lot to develop my technical skill as well as my project also. And I'm very passionate about coding and finding bugs. Over the last 1 year, I have worked on it, and definitely I have improved a lot. And after that, इतनी पॉइंट्स आपको बोलने के बाद, ठीक है, आपका स्टार्टिंग जो होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने बारे में कुछ और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर आपकी कोई अचीवमेंट है तो उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक या दो पॉइंट में। उसके बाद आप एट द लास्ट एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि जिस आप जॉब रोल के लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसा बताना है आपको कि उसके लिए आप ही सबसे फिट बंदे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो जॉब रोल ऑफर की जा रही है आपको वो एक पाइथन डेवलपर की है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से उसमें बताना है कि आप ही बेस्ट पाइथन डेवलपर हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ से प्रोजेक्ट को जिस तरीके से आपने एक्सप्लोर किया बीच में उसमें लगना चाहिए उसको कि हाँ वो पाइथन, आपने पाइथन में काम किया हुआ है और आपका अच्छा एक्सपीरियंस है पाइथन से वर्क करने के। ठीक है, उसके बाद एट द लास्ट आपको यही बोलना है कि दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। ठीक है, तो दोस्तों इतनी चीज़ें बोलनी हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्फिडेंस तभी हो सकते हैं जब जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, आप अगर इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर होंगे तो डेफिनेटली आप ये इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे। ओके, थैंक यू।